अलौकिक होगा राम मंदिर। रामलला के मंदिर निर्माण का 3D वीडियो जारी। LE एसोसिएट ने तैयार किया है ये नया वीडियो। 7 मिनट के वीडियो में दिखाया गया मंदिर का स्वरूप। राम मंदिर को जाने वाले रास्ते में भी हुआ बदलाव। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर बन रहा है। यह न सिर्फ भव्यता बल्कि तकनीक के मामले में भी देश के चुनिंदा मंदिरों में से एक होगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद राम मंदिर कैसे दिखेगा, इससे दुनिया भर के भक्तों को रूबरू कराने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर का एक और 3D वीडियो जारी किया है। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर को आने वाली सड़क में भी आंशिक बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अयोध्या के हजारों नागरिकों और व्यापारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं आखिर LE एसोसिएट द्वारा तैयार किए गए इस वीडियो में खास क्या है, कैसे दिखेगा राम मंदिर और इसके आकर्षण के क्या क्या होंगे बिंदु। वीडियो के माध्यम से राम भक्त खुद ही अंदाजा लगाएं राम मंदिर बनने के बाद कितना अलौकिक और दिव्य होगा। राम मंदिर का एक और 3D एनिमेटेड वीडियो क्लिप जारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जारी 7 मिनट के इस वीडियो में राम मंदिर के भागों, उसकी संपूर्ण भव्यता और कलात्मकता को दर्शाया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि आधुनिक काल में राम मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का बेजोड़ नमूना होगा। वीडियो के मुताबिक मंदिर का बुनियादी स्वरूप वही रखा गया है जैसा प्रस्तावित मॉडल में था। नागर शैली के ही मुताबिक गर्भगृह और उसके चारों ओर परिक्रमा स्थल निर्मित हैं। इसमें राम मंदिर में अग्रभाग, सिंह द्वार, नृत्य मंडप और रंग मंडप भी शामिल हैं। आर्किटेक्ट निखिल सोमपुरा के अनुसार अभी और वीडियो भी जारी होंगे जिसमें विस्तार से राम मंदिर के निर्माण का विवरण बताया जाएगा। उनका कहना है कि यह वीडियो भारतीय जनमानस की जानकारी और भविष्य की स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए तैयार कराया गया है। नई डिजाइन में अब 3 नहीं 5 गुंबद होंगे। संशोधित मॉडल में राम मंदिर की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों ही बढ़ा दी गई है। साथ ही राम मंदिर 2 मंजिला की जगह अब 3 मंजिल कर दिया गया है। पुराने मॉडल के हिसाब से मंदिर की लंबाई 268 फीट 5 इंच थी जो अब 280 से 300 फीट होगी। वहीं नए मॉडल में मंदिर की चौड़ाई बढ़कर 272 से 280 फीट के आसपास होगी जो पहले 140 फीट थी। इसके अलावा मंदिर की ऊंचाई 128 फीट से बढ़कर 161 फीट होगी। ऊंचाई में 33 फीट की वृद्धि होने से एक और मंजिल बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा 3 गुंबद की जगह नए नक्शे में 5 गुंबद रखे गए हैं। पूरे मंदिर में 318 स्तंभ होंगे और हर तल पर 106 स्तंभ बनाए जाएंगे। मंदिर निर्माण में जुटी हैं देश की 8 बड़ी तकनीकी एजेंसियां। राम मंदिर के निर्माण में देश की 8 नामी तकनीकी एजेंसियां काम कर रही हैं ताकि मंदिर दुनिया में सबसे अलौकिक बन सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में रामलला को विराजित करते हुए भक्तों के लिए दर्शन सुलभ कराने का लक्ष्य तय किया है। इसके बाद मंदिर निर्माण का शेष काम चलता रहेगा। चरणबद्ध ढंग से चल रहे मंदिर निर्माण कार्य में अभी नींव के 3रे चरण का काम हो रहा है जिसमें राम मंदिर की नींव के ऊपर ढाली गई राख के ऊपर प्लिंथ का निर्माण किया जा रहा है। 7 लेयर में बनने वाली 21 फीट ऊंची प्लिंथ में से अब तक 1 लेयर ढालने का काम पूरा हो चुका है।
ट्रस्ट का अनुमान है कि जून या फिर जुलाई माह से राम मंदिर के गर्भगृह को आकार देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आबादी की वजह से मंदिर आने वाले रास्ते को बदला गया। राम जन्मभूमि के निर्धारित डिजाइन के अनुसार भूमि विस्तार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दूर कर दिया है। स्थानीय संतों, व्यापारियों और गृहस्थों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राम जन्मभूमि मॉडल के स्वीकृत नक्शे में बदलाव किया गया। इससे नया रास्ता निकल आया। स्वीकृत मॉडल के अनुसार परकोटे के रास्ते में पड़ रहे फकीरे राम और कौशल्या भवन और उसके बगल सूर्य नारायण के मकान को विनिमय के आधार पर ट्रस्ट ने ले लिया है। प्रस्तावित सिंह द्वार से हनुमानगढ़ी के सिंह द्वार तक सीधे रास्ते के निर्माण में भी बड़ी बाधाएं थीं। प्राचीन रंग महल, जगन्नाथ मंदिर, लौकुश मंदिर और राम कचहरी चारों धाम में दिक्कतों के अलावा हरिश्चंद बाजार, नई बाजार के अलावा हनुमानगढ़ के इमिलिया बाग और हाथी दालान में भी रास्ते में निर्माण में कुछ परेशानी आ रही थी। इन विवादों से बचने के लिए सुग्रीव किला संपर्क मार्ग के रास्ते का चुनाव किया गया। सुग्रीव किला मार्ग पर भी यू टाइप रास्ते का था प्रस्ताव। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सुग्रीव किला संपर्क मार्ग का चुनाव किया था, लेकिन यहां अंग्रेजी के अक्षर यू टाइप रास्ते का प्रस्ताव किया गया था। इस रास्ते में राम गुलेला से पहले दक्षिण और फिर दर्शनार्थियों के निकास मार्ग से प्रवेश द्वार की योजना तय की गई, जिससे न्यूनतम नुकसान हो। इसमें अमावा राम मंदिर के प्रबंधक और निखिल तीर्थ विकास समिति के सचिव सेवानिवृत्त IPS अधिकारी किशोर कुराल ने ट्रस्ट को सुझाव देकर यू टाइप रास्ते में सुधार करवाया। अब अमावा राम मंदिर और राजमहल के बीच से होकर रंग महल के पीछे से होते हुए राम जन्मभूमि के सिंह द्वार तक का रास्ता काफ़ी हद तक सीधा हो गया है। इसके अतिरिक्त शेष जमीन की उपयोगिता भी बढ़ गई। सरयू नदी के जल की सतह से 12 मीटर चौड़ी रिटेनिंग वाल। मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर के चारों ओर 12 मीटर चौड़ी बाउंड्री वाल यानी रिटेनिंग वाल बनाने का काम भी शुरू हो गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार मंदिर के पश्चिमी क्षेत्र में सरयू का जल प्रवाह है, इसलिए कम से कम 20 मीटर की गहराई तक बाउंड्री वाल की नींव खोदी जा रही है। इस दीवार की गहराई कम से कम उतनी ही होगी जिस स्तर पर मई और जून माह में सरयू का जल स्तर होता है। जमीन के अंदर कम से कम 12 मीटर चौड़ी दीवार होगी। इससे मिट्टी के कटान को थामने और पानी के प्रवाह और उसके आक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। बताया गया है कि इसरो के वैज्ञानिकों के अध्ययन में यह मिला था कि पिछले 500 वर्षों में सरयू की धारा 5 बार बदल चुकी है। भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि नदी की धारा फिर पलट जाए, इसलिए भविष्य में ये वाल उत्तर दिशा में भी बनाई जाएगी ताकि मंदिर की मजबूती हजारों हजार साल तक अक्षुण रहे। जल्द शुरू होगी राम कथा आधारित डिजिटल गैलरी। राम मंदिर निर्माण के अलावा रामायण सर्किट योजना के अंतर्गत सरयू तट स्थित राम कथा संग्रहालय में जल्द ही डिजिटल गैलरी का शुभारंभ हो जाएगा। राम कथा संग्रहालय में 10 करोड़ की लागत से चल रहा है डिजिटल गैलरी निर्माण का काम। अब ये 75% तक पूरा किया जा चुका है। 4 गैलरी बनकर तैयार हैं। हर गैलरी में 30 लोग बैठ सकेंगे। प्रोजेक्शन मैपिंग, होलोग्राफिक, 3D तकनीक और LED से राम कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। डिजिटल रामायण में गैलरी में राम की गाथा जीवंत प्रतीत होती दिखेगी। संस्कृत विभाग ने इस योजना के लिए पर्यटन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है। कार्यदायी संस्था UP राजकीय निर्माण निगम द्वारा डिजिटल गैलरी का निर्माण राम कथा
संग्रहालय में कराया जा रहा है, जिसका 75% काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आज बस इतना ही। ये शो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम।